पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे। अपना पन कुछ इतना ज्यादा है आपसे, न सोचना कि भूल जाएंगे आपको, न सोचना कि भूल जाएंगे आपको, जिंदगी भर चाहेंगे ये वादा है आपसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, पत्नी से कभी ना कहें ये सात बातें। फ्रेंड्स, हम सब ये जानते हैं कि अगर एक पति के प्यार का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, तो एक पत्नी के प्यार का रास्ता उसके कानों से होकर गुजरता है। अब हम सब ये भी जानते हैं कि अगर इस दुनिया में अच्छे से निभ जाए, तो पति पत्नी से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रिश्ता कोई भी नहीं है। इस रिश्ते के बिना जिंदगी ऐसी है जैसे फूलों के बिना बगीचा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत बना रहे, बेहतर बना रहे, जिंदगी भर आप खुशी खुशी अपना जीवन बिताएं, तो आपको अपनी वाइफ से कुछ बातें कहनी नहीं चाहिए। वो कौन सी बातें हैं, मैं आपके साथ सात बातें शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको अपनी वाइफ से नहीं कहनी है कि तुम सारा दिन क्या करती रहती हो। अक्सर हस्बैंड की आदत होती है कि वो ऑफिस चले जाते हैं, जैसे ही वो घर पर आते हैं, घर पर आकर सब कुछ उनको व्यवस्थित मिलता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी से कहने से नहीं चूकते कि तुम सारा दिन क्या करती रहती हो। ऐसे ही एक बार एक हस्बैंड ऑफिस से जब घर आते तो वो अक्सर अपनी वाइफ से कह देते कि तुम सारा दिन घर पर क्या करती रहती हो। उसकी पत्नी बहुत कुछ उसे बताने की कोशिश भी करती, उसे समझाने की कोशिश भी करती, लेकिन उसके हस्बैंड की ये आदत ही बन चुकी थी कि वो कह देते थे कि तुम सारा दिन क्या करती रहती हो। तो पत्नी के मन में एक दिन आया कि इनको बता ही देती हूँ कि मैं सारा दिन क्या करती रहती हूँ। जब वो उसके हस्बैंड नेक्स्ट डे ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, तो उसने घर का कोई काम नहीं किया और आराम से बैठी रही। जब हस्बैंड घर पर आए तो उन्होंने देखा पूरा घर चिड़ियाघर बना हुआ है। जहां पर वो टावल छोड़कर गए थे वहीं पर टावल बेड पर पड़ा है, गंदे कपड़े वहीं पर पड़े हैं, पूरा घर गंदा पड़ा है, रसोई भी बहुत ही बुरी हालत में है और पूरा घर अस्त व्यस्त हो रखा है। आगे चलकर उसने देखा कि उसकी वाइफ आराम से चेयर पर बैठी एक बुक पढ़ रही है। तो हस्बैंड ने कहा, तुम आराम से बैठी हो यहाँ पर और बुक पढ़ रही हो, और ये घर की क्या हालत बना रखी है। तब उसकी वाइफ ने कहा कि आप रोज पूछते हैं ना कि मैं घर पर क्या करती हूँ, मैं घर पर यही करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना घर चिड़ियाघर जैसा ना देखना पड़े, तो अपनी वाइफ से भूलकर भी ना कहना कि तुम सारा दिन क्या करती रहती हो, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि घर में कितने काम होते हैं। इसमें सेकंड बात जिस पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी भी चीज के लिए कमिटमेंट कर दी है तो उसे जरूर पूरा करें। अगर आप वाइफ से कहते हैं कि आज हम घूमने जाएंगे, या तो फिर कोई हम खाना बाहर खाएंगे, कोई चीज़ लाने के लिए कहते हैं, तो आप उसे हाँ करते हैं तो उसे ज़रूर पूरा करें। ऐसे ही एक बार एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा कि नमक कम हो रहा है तो आप शाम को नमक लेते आना। हस्बैंड ने कहा ठीक है, मैं लेता आऊँगा, लेकिन शाम होते होते वो भूल गया। वाइफ ने कहा कि आपने नमक नहीं लेके आए, उसने कहा कल ले आऊँगा। वाइफ ने कहा चलो ठीक है, थोड़ा है नमक, चल जाएगा। उसने नेक्स्ट डे फिर से कहा कि आज ज़रूर ले आना, घर पर नमक ख़त्म है। तब उसके हस्बैंड फिर भी शाम को नमक लाना भूल गए। तब उसकी वाइफ ने उसे बिना नमक की ही सब्जी दे दी। जब हस्बैंड खाने लगे तो उसने कहा कि सब्जी में तो नमक नहीं है। वाइफ ने कहा मैंने तो आपसे कहा था, आप ही नमक लाना भूल गए। तो इसलिए अगर आप भी बिना नमक की सब्जी नहीं खाना चाहते हैं तो अपना कमिटमेंट ज़रूर याद रखें। इसमें थर्ड बात जो आपको अपनी वाइफ से नहीं कहनी है कि योर फैमिली इज़ बैड। अक्सर हस्बैंड ये गलती कर देते हैं कि पत्नी के सामने उसके ही पेरेंट्स की बुराई करने लग जाते हैं, उनके मायके वालों के बारे में गलत बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि जो लड़की जिस जगह पर 20-25 साल रहकर आई है उनके बारे में वो कभी भी गलत नहीं सुनेगी। उसके साथ उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस जुड़े होते हैं। जैसे कि आपके अपनी फैमिली के साथ
रिलेशन्स होते हैं, वैसे ही एक लड़की के भी अपने पेरेंट्स के, अपने मायके वालों के साथ उनके रिलेशन्स होते हैं, उनकी बॉन्डिंग होती है। तो इसलिए भूल कर भी उससे कभी ताने में ना कहें कि आपके पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, आपके मायके में आपके फ्रेंड्स या तो फिर आपके भाई अच्छे नहीं हैं। क्योंकि अगर आपको कोई इशू है भी तो आप अपनी पत्नी से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने से वो डेफिनेटली आपका साथ देगी, आपको उस प्रॉब्लम से बचा लेगी। तो इसमें फोर्थ बात जो आपको अपनी वाइफ से नहीं कहनी है वो है कि डायरेक्ट उसके किसी भी काम में गलती ना निकाले। मान लीजिए आपकी वाइफ ने आपके लिए खाना बनाया, उस खाने में थोड़ा सा नमक कम है, तो डायरेक्ट उसे कोई ताना देकर कहने की बजाय अगर आप उससे कहते हैं कि वैसे तो सब्जी का रंग बहुत अच्छा है, कल जो तुमने सब्जी बनाई थी उसमें भी वो भी बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, लेकिन आज इस सब्जी में थोड़ा सा नमक और मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, कल तुमने चख कर दी थी, आज तुमने मुझे लगता है खाकर नहीं देखी, तो देखना नेक्स्ट टाइम से आपको सब्जी परफेक्ट मिलेगी। तो इसलिए इस बात को थोड़ा अंदाज से कहना है, डायरेक्ट नहीं कहना है। इसमें नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि मैंने तुम्हारे मायके जाने के बाद बहुत इंजॉय किया। फ्रेंड्स, ये तो हम सब जानते हैं कि एक हस्बैंड सिर्फ चुटकुलों में ही पत्नी के मायके में जाने के बाद खुश नजर आता है। वैसे तो पत्नी के बिना घर भूत बंगला और रसोई कबाड़ खाना बन जाती है। इसलिए ये कहकर उसका मूड कभी ना खराब करें कि मैंने तुम्हारे जाने के बाद बहुत इंजॉय किया, क्योंकि अगर एक हस्बैंड का मूड खराब होता है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति प्रभावित होता है, लेकिन अगर एक पत्नी का मूड खराब होता है तो उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों का मूड खराब हो जाता है। इसलिए इस बात से आपको स्पेशली तौर पर बचना है। इसमें नेक्स्ट जो बात है जिस पर आपको ध्यान रखना है वो है कि मुझसे दूर रहो। कई बार हस्बैंड गुस्से में होते हैं, उनका आपस में झगड़ा हो जाता है और वो अपनी वाइफ से कह देते हैं कि मुझसे दूर रहो। एक वाइफ की पूरी लाइफ आपके इर्द गिर्द ही घूमती है, और अगर आप उसे ये बात कह देती हैं तो ये बात उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, और उसके बाद गुस्से में कहे गए कोई भी शब्द जब एक बार दिल में चुभ जाते हैं तो वो उसको रिपे नहीं कर सकती। आप उसके बाद उसे चाहे कितना भी कह लें कि मैंने ये बात आपको इंटेंशनली नहीं कही थी, मुझे माफ़ कर दो, फिर भी वो बात नहीं बनती। इसलिए पहले ही बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, कभी भी उससे ना कहें कि मुझसे दूर रहो। इसमें नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि कोई भी गलती होती है उसका सारा ब्लेम अपनी वाइफ पर ना लगाएं। अक्सर हस्बैंड जब देखते हैं कि कोई काम गलत हो गया तो वो अपनी वाइफ को कह देते हैं कि ये सारी गलती तुम्हारी है। आपको इस बात से समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। सेकंडली, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई गलती हुई है, कोई काम खराब हुआ है, तो उसमें एक अकेली गलती वाइफ की नहीं हो सकती। कई बार तो गलती किसी की भी नहीं होती, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए अगर आप उस पर ही पूरा ब्लेम डाल देते हैं, सारी गलती उसी पर डाल देते हैं, तो ये बात एक वाइफ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपको अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन गलतियों से आपको बचना होगा। ये बातें आपको अपनी वाइफ से कभी भी नहीं कहनी है, उसकी हेल्प करनी है। आप सब जानते ही हैं कि जब पति पत्नी रिश्ते में होते हैं तो मैं और तुम नहीं रहते बल्कि हम हो जाते हैं। इसलिए अपने रिश्ते को बेहतर, मजबूत बनाने के लिए इन सभी बातों को कहने से आपको बचना होगा। फ्रेंड्स, ये मेरे विचार हैं कि आपको अपनी पत्नी से ये बातें नहीं कहनी चाहिए। आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। साथ ही अगर आपको पति पत्नी के रिश्ते से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप या तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या तो फिर ज्वाइन बटन पर मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका शादीशुदा जीवन सुखमय हो।